जब रीढ़ की हड्डी की स्पाइन के बारे में बीमारियों के लिए जब सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता था तो लोग डरते थे ऑपरेशन करवाने के लिए, बट इस ज़माने में नई सुविधाओं की मदद से हम सिम्स हॉस्पिटल में बिना दर्द वाले, दैट इज़ दर्द रहित ऑपरेशन आपकी करवा सकते हैं हम स्पाइन के, जिससे आप जल्दी चल फिर सकते हैं और अपने काम पे लग सकते हैं। ज़्यादातर देखा जाए तो मॉडर्न स्पाइन सर्जरी, जो नई पद्धति से स्पाइन सर्जरी होती है, उसमें दो प्रकार के होते हैं, मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी उर्फ कीहोल स्पाइन सर्जरी और एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में दूरबीन की मदद से हम जो गद्दी या फिर कोई और तकलीफ रीढ़ की हड्डी में होती है उसे चमड़ी में छोटी छेद बनाकर निकाल सकते हैं और पेशेंट बिना दर्द के जल्दी घर जा सकते हैं और अपने काम पे लग सकते हैं। मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी या कीहोल सर्जरी के बारे में बात करें तो वो भी छोटी छिद्र से हो सकती है और नए आधुनिक टेक्निक जैसे सीटी स्कैन या फिर एंडोस्कोप वगैरह की मदद से छोटे छेद से हम ऑपरेशन करके गांठ वगैरह भी निकाल सकते हैं। रीढ़ की हड्डी में गद्दी का प्रॉब्लम है, गद्दी हिल गया है, खिसक गया है, या फ्रैक्चर की सुविधा भी हम मिनिमली इन्वेजिव स्पाइन सर्जरी से करके आपको जल्द से जल्द ठीक, दर्द रहित और अच्छी तरीके से घर भेज सकते हैं। ये सुविधा के लिए सभी जो पद्धतियाँ हैं ट्रीटमेंट की, ये सिम्स हॉस्पिटल में उपलब्ध है। अब आपको रीढ़ की हड्डी के सर्जरी के बारे में सोच के घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप ज़रूर सिम्स हॉस्पिटल आइए और हमें विश्वास है कि आपको पूर्ण संतोष तरीके से हम ट्रीट करके घर भेज सकते हैं। धन्यवाद।